Contouring and highlighting is a very, very important step in a makeup. हेलो एवरीबॉडी, आई एम इंद्रा अलवालिया फ्रॉम ग्रे सैलून्स। आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्टूरिंग एंड हाइलाइटिंग, इसके पहले के स्टेप्स लाइक प्रेप एंड प्राइम, कंसीलिंग, फाउंडेशन, ये ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आई एम इन द मेकअप इंडस्ट्री फ्रॉम मोर देन लास्ट 36 ईयर्स। माई स्टेटमेंट ऑफ मेकअप इज टू क्रिएट अ शेप एंड बैलेंस इन द फेस विद द हेल्प ऑफ कलर कॉस्मेटिक्स। अगर आपके फेस पे कॉन्टूरिंग एंड हाइलाइटिंग की हुई है और आप सिर्फ एक लिपस्टिक लगा के भी चले जाते हैं, यू विल लुक वेरी गुड, ब्यूटीफुल, इनफैक्ट लगेगा इसके फीचर्स अच्छे हैं। और अगर आपने कॉन्टूरिंग या हाइलाइटिंग नहीं की, आप अच्छे से अच्छा ब्रांड, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव ब्रांड प्रोडक्ट यूज करते हैं, लिपस्टिक, आई मेकअप, फाउंडेशन, तब भी आप में वो ब्यूटी नहीं आती। सो इसके लिए ये वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरा ध्यान से सुनिए। लाइक कॉन्टूरिंग हर फेस पे अलग होती है, इसकी प्लेसमेंट डिफरेंट होती है। लाइक सपोज इफ यू वांट टू एक्सेंटुएट योर चीक्स, तो आप कॉन्टूरिंग चीक के नीचे करेंगे। अगर आप अपनी जॉ बोन को ज्यादा फॉर्म दिखाना चाहते हैं तो आप जॉ बोन पे कर सकते हैं। सपोज आपका नोज प्रोपोर्शनेट नहीं है, आपको लगता है बड़ा, तो आप साइड ऑफ द नोज पे कॉन्टोरिंग करके एंड ऑन टॉप ऑफ इट हाइलाइटिंग कर देंगे तो आपका नोज पतला लगेगा। सी, डिफरेंट शेप्स के लिए डिफरेंट प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टोरिंग है। सपोज आपका फेस लंबा है और आपका आप कॉन्टोरिंग हम कहें आप सिर्फ जॉ बोन पे कर दो या चीक को एंसुएट, तो उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपने उसकी लंबाई को कम करना है। आप क्या करेंगे, अपने फॉरहेड पे करेंगे, चिन पे डार्क करेंगे ताकि वो थोड़ा बैलेंस लगे। इसके लिए द बेस्ट, जिन्होंने कॉन्टूरिंग कभी नहीं की, कॉन्टूरिंग करने के लिए आप एक मिरर के आगे खड़े होके अपने आप को देखें एंड अपने माइंड में सोचें कि मेरे को एक ओवल शेप की फेस शेप देनी है, तो मेरे को कहाँ कहाँ से फेस को दबाना है और कहाँ कहाँ से फेस को मैंने हाईलाइट करना है और जहाँ से रिसीड करना है, तो आप दो शेड या तीन शेड डार्कर शेड यूज करेंगे और जहां आपको एक्सेंटुएट करना है, अपने हाईलाइट करना है, तो दो से तीन शेड आप लाइटर यूज करेंगे। नाउ ये तो हमने कह दिया, बट व्हाट प्रोडक्ट इज टू बी यूज्ड, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हैं जो आपके स्किन के ऊपर प्रॉपर दिख रहा है कि आपने एक लाइन लगाई हुई है, अच्छी ब्लेंडिंग नहीं है, सीमलेस नहीं है, तो वो उसका कॉन्टूरिंग का फायदा नहीं होता। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए। प्रोडक्ट की नॉलेज मींस एक फंडामेंटल रूल है आपका कि पाउडर ऑन पाउडर एंड क्रीम ऑन क्रीम। सपोज आपने क्रीमी फाउंडेशन लगाई है एंड उसके ऊपर आप जो कॉन्टूरिंग पाउडर कॉन्टूरिंग करेंगे तो यू विल फॉर्म लाइंस, वो दूर से दिखेगा ये लाइंस हैं, सीमलेस नहीं होगी, ब्लेंड नहीं होगी। तो इसके लिए अगर फाउंडेशन के ऊपर आप पाउडर कॉन्टूरिंग कर रहे हैं तो एक आप ट्रांसलूसेंट पाउडर अपनी फाउंडेशन पे लगाएंगे, तब पाउडर का आप कॉन्टूरिंग यूज करेंगे। और अगर आप क्रीमी यूज कर रहे हैं तो आप अपनी फाउंडेशन के ऊपर यूज कर सकते हैं और बाद में एक लेयर ऑफ पाउडर दे सकते हैं कि वो काफ़ी देर तक स्टे करे। थोड़ा सा हमें स्किन का टेक्सचर भी देखना पड़ता है, अगर ज़्यादा ऑयली है तो हम कम ऑयली चीज़ें यूज़ करते हैं और अगर ड्राई चीज़ें तो हम ऑयली प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अगर ऑयली प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसकी ब्लेंडिंग में आपको हो सकता है थोड़ी मुश्किल हो। इनिशियली आप पाउडर प्रोडक्ट ही आप यूज़ कीजिए, पाउडर प्रोडक्ट लीजिए और उससे कॉन्टूरिंग कीजिए। अगर आपके पास पाउडर प्रोडक्ट भी नहीं है तो आप फाउंडेशन का टू शेड डार्कर फाउंडेशन भी आपके पास है तो वो भी आप कॉन्टूरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप अपने आई शेडो पैलेट में एक कोई ऐसा कलर देख सकते हैं, ब्राउन, जो आप सर टू शेड डार्क करो, स्टिल दैट कैन बी यूज, बिकॉज अगर हम एक चीज़ को आइस पे लगा सकते हैं तो वाई नॉट ऑन द फेस। हमेशा आपको लगता है कि आपका फेस प्रोपोर्शनेट नहीं है और मेकअप करते समय आपको कॉन्टूरिंग की ज़रूरत है, तो ज़रूर आप एक ऐसा प्रोडक्ट लीजिए जो कॉन्टूरिंग के लिए ही बना होता है, उससे आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी तो आपका फेस प्रोपोर्शनेट लगेगा। तो कॉन्टूरिंग की मैं आपको कुछ प्लेसमेंट्स बता देती हूँ कि अगर आपको हाई चीक बोन चाहिए तो आप अपनी चीक के नीचे अपने ईयर लोब से लेके जहाँ आपकी आई का सेंटर आता है वहाँ तक लगाएं और उसको अच्छी तरह ब्लेंड करें। आप
एक साइड पे अपना फेस को टर्न करें, जैसे देखो मैं टर्न कर रही हूँ, तो आपकी बोन आपको यहाँ से यहाँ तक फॉर्म दिखने लग पड़ती है। उस बोन के ऊपर आप एक लाइन लगाएं और वो आपको एकदम बिल्कुल यंग शेप देगा। फेस ज़्यादा लॉन्ग है, आप अपने फॉरहेड के एंड्स में और जहाँ पे आपके बाल शुरू होते हैं उसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपका फेस बड़ा पतला है और आप उसको बैलेंस एक शेप देके हाईलाइट करना चाहते हैं, तो आप लाइटर शेड आप उसको लगाएंगे ताकि आपका फेस थोड़ा भरा हुआ लगे। आप जैसे चीक बोन पे आप हमेशा लाइटर शेड ज़्यादा लगाते हैं, नोज के जो आप देखते हैं ऊपर ब्रिज पे आप लाइटर शेड लगाते हैं ताकि पतला लगे, लिप्स पे आप अपनी क्यूपिड बो पे लाइटर शेड लगाते हैं ताकि आपके लिप्स फुल लगें, आप अपनी चिन के ऊपर एंड लोअर लिप के नीचे थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि आपकी लिप्स की शेप सुंदर लगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं कॉन्टूरिंग एंड हाइलाइटिंग की। बट देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रॉन्जिंग एंड कॉन्टूरिंग एंड हाइलाइटिंग? ज़रूरी नहीं है कि सबके फेस को आपको कॉन्टूरिंग एंड हाइलाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है, कई बार ब्रॉन्जर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रॉन्जर्स अगेन थोड़ा आपको शेप देने में हेल्प करते हैं। अगर आपका फेस ज़्यादा कॉन्टूरिंग डिमांड करता है तो आपको स्पेशल वो प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, नहीं तो आप अपने ब्रॉन्जर से भी अपने फेस को शेप दे सकते हैं। थैंक यू।